हाई गाइज, माई नेम इज़ नितिका एंड वेलकम टू द चैनल नान एंड लूची ट्रेवल्स। तो ये जो चैनल है, हम दो लोग चलाते हैं चैनल। मेरा नाम है नितिका, मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम है मोइनाक, जो कि हैं इस चैनल के लूची, और मैं हूँ इस चैनल की नान। तो हम रहते हैं जर्मनी में एंड हमें काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ रहते रहते। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है क्रिसमस, एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बार हम एक रियल क्रिसमस ट्री लेके आते हैं और घर पे सजाते हैं उसको। तो आज है 19th of December, हम 10 दिन पहले ये ट्री लेके आए हैं एंड इट इज़ स्टिल लाइक अभी भी ये काफ़ी फ्रेश दिख रहा है। तो बात है 9th of December की, आज से अराउंड 10 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि चलो ट्री लेके आते हैं। तो ट्री जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, जो कि जैसे इकिया एक स्टोर होता है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, प्लांट्स और घर का सामान से लेकर सब कुछ। ऐसे ही यहाँ पे एक स्टोर है जिसका नाम है हॉर्नबाग, हम वहाँ गए थे। एंड उसके अलावा भी एक्चुअली यहाँ पे वेंडर्स रहते हैं जो अलग अलग क्रिसमस मार्केट्स लगाते हैं, जिसमें जाके आप ये ट्री खरीद सकते हैं। और कुछ 3-4 कैटेगरीज होती हैं, मुझे सारी कैटेगरीज का नाम तो याद नहीं है, बट हाँ, या जो पेड़ हमने ख़रीदा है उसका नाम है नॉड मानटाने, या फिर उसको इंग्लिश में कहा जाता है एवरग्रीन। तो बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर्स के टाइम पे, तो क्रिसमस ट्री ही एक ऐसा ट्री है जो आपको ज़िंदा दिखेगा। 9th को हमने डिसाइड किया कि हम चलो उठते हैं और जाके ट्री लेके आते हैं। हम उठे 9 बजे, 9 तारीख को सुबह की बात है, और बाहर देखा खिड़की में इतनी फॉग हो रही थी, इतनी ठंडा मौसम था, कोई धूप नहीं निकली हुई थी। तो मैं मौसम की बात इसलिए कर रही थी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वेदर पे डिपेंड करती है। अगर वेदर अच्छा हो, प्लेजेंट हो, तो ऑटोमेटिकली आपका दिन जो है वो अच्छा जाता है एंड आप बहुत अच्छे से उस दिन को स्पेंड करना चाहते हैं। बट विंटर्स में होता ही है कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू जस्ट गेट आउट ऑफ द बेड इन अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, अभी तो 9 से 10 बज चुके हैं। प्लान था 9 बजे निकलने का, बट नाश्ता करते करते, सामान डालते डालते हो गए 10। फिर अगले दिन की बात आई तो सोचा कि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लेके आएंगे फिर चेक करेंगे कि हम एक्चुअली में और क्या क्या चाहिए उसके साथ, ट्री के साथ। पहली बार कर रहे थे, हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हम गए 10 तारीख को फाइनली, पूरा प्लान बना के कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ से निकले हम जैकेट, टोपी, ग्लव्स पहन के, क्योंकि वाकई में उस दिन बहुत ठंड थी। और ग्लव्स से याद है, उस दिन एक्चुअली ग्लव्स हम भूल गए थे घर पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप कभी क्रिसमस ट्री लेने जा रहे हो तो ग्लव्स ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। हम यहाँ से निकले गाड़ी पे, कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी थी, और पहुंच भी गए टाइम से। मतलब कई बार होता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, यहाँ पे जो ऑटोबान जो कि हाईवे होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार आप रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, तो आपको काफ़ी लंबा घूम के आना पड़ता है। तो उस दिन लकीली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम टाइम पे पहुंच गए, हम गाड़ी से निकले। पहले होता है कि आपको ट्रॉली लेनी पड़ती है। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ऐसे ही आ गए तुम बिना कॉइन के? लो मेरे पास है। अरे किसी का कॉइन सिक्का वो होगा, तो दूसरा ले लो। तो यूजुअली यू हैव टू पे लाइक 50 सेंट या फिर 1 यूरो या 2 यूरो आपको स्लॉट में डालने पड़ते हैं, फिर ट्रॉली लेनी पड़ती है। पर वो ली हमने, एंड वो लेके हम लोग जो हैं देखने लगे। बाहर ट्रीज पड़े थे बहुत सारे, छोटे छोटे पड़े थे, कुछ आर्टिफिशियल पड़े थे, कुछ रियल पड़े थे। और पता था हमें कि नॉड मानटाने लेना है, ये हमने पूछा था हमारे दोस्तों से और हमारी जो फैमिली यहाँ रहती है उनसे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये ट्री लेना। अलग अलग ये कौन सी है? ये ब्लाउ फिस्ट है, और ये वाली कौन सी है? जुका कुट लिस्ट है। ये बड़ी छोटी सी है, ये मतलब जैसे ओमा यूज़ कर सकते अपने घर पे। ये आर्टिफिशियल है क्या भाई? पता नहीं लग रहा है आर्टिफिशियल है कि रियल, मुझे लग रहा है रियल है ये, शायद ये रियल है। रियल है क्या? हाँ। 19 यूरो क्या? मतलब लेंथ भी इट्स ओके आई फील, सो आई थिंक हमें ये ऐसा वाला चाहिए। पर ये गाड़ी में आएगा कैसे? बहुत बड़ा है। तो चलो ठीक है, यही लेते हैं। फिर
तो देखा बाहर कि बहुत सारे ट्री दिख रहे थे, लेकिन हम उस गेट के पास जाने लगे एंड देन पता चला कि यहाँ से एंट्री नहीं है एक्चुअली। यार आगे वहाँ कैसे जाएंगे, अंदर से जा सकते हैं? एक मिनट, कहीं तो होगा रास्ता। अच्छा ये अंदर से घुस के है बाबू। हाँ वो तो करी। फिर हम लोग वापस आए एंड देन वी गॉट इनसाइड एंड इट वाज लाइक बहुत ही बड़ा मार्केट एक्चुअली। हाँ जाना गार्डन एंड ज़ू ही है। तो हम लोग एंटर किए अपनी ट्रॉली लेके और उसके बाद वहाँ पे आगे जाके एक सेक्शन था जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे पेड़ मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ गए एंड वहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस ट्री अवेलेबल थे और जो रेंज होती है मतलब पैसे की रेंज, उसके अलावा हाइट भी होती है क्रिसमस ट्री की, आप कितना लंबा लेना चाहते हैं या कितना शॉर्ट लेना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, थोड़ा मीडियम साइज़ का ट्री लेते हैं एंड द प्राइस इसका जो कॉस्ट है वो हमें पड़ा कुछ 19 यूरो, जो कि यहाँ पे मिनिमम था, मतलब द मिनिमम कॉस्ट जो एक क्रिसमस ट्री का पड़ता है वो है अराउंड 19 यूरो। ज़्यादातर हो क्या रहा है कि यहाँ पे कम है लीव्स और यहाँ पे ज़्यादा है, तो आई थिंक आप यहाँ पे करते करते आपको यहाँ पे थोड़ा सा हैवी डेकोरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका नीचे के साथ वो मैच कर पाएगा। right. है ना, मेरे को यही फील हो रहा है। बट अभी तक जितना भी हमने देखा है वहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आई थिंक ये ठीक लग रहा है। करा दे इसका पैकिंग। समझने की जरूरत ही क्या है, पेड़ तो है। काइंड कोई नहीं ये, अरे दूसरों की घास है। दूसरों की थाली के लड्डू तो हमेशा अच्छा लगता है। ये वाला देखना। हाँ। देखो ये ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ, क्योंकि ना इसमें यहाँ पे थोड़े से वो डेंसिटी है इसमें ना। हाँ। इस वाले में ठीक है, वो भी सही है, लोग ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। फोटो लेके। अरे ये सही है। एक लास्ट ये वाला देख लो ना। कौन सही है? हाँ चलो ठीक है, अगर ये सही है तो ये सही है। अब एंड ये नॉर्थ मंटाने इसलिए लिया हम लोगों ने क्योंकि वैसे क्रिसमस ट्री की लीव्स नहीं होती, क्रिसमस ट्री की नीडल्स होती हैं, बिकॉज उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम तीखी नीडल के जैसी होती हैं। तो जो नॉर्थ मंटाने जो ट्री होता है उसकी जो नीडल होती है वो सॉफ्ट होती है, बाकी नॉर्मल जो दूसरे कैटेगरी के ट्रीज होते हैं उसकी नीडल जो होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होंगी, आपको चुभ सकती है वैसे। तो हम लोग गए सेक्शन में एंड बहुत सारे ट्रीज हम वहाँ पे पड़े थे अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली, और सब लोग वहाँ पे ऐसे उसको उठा उठा के देख रहे थे कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना ट्री के ट्री का जो लेयर्स होता है ना वो दिखना चाहिए। ये जो ट्री अभी आप मेरे पीछे देखेंगे इसमें भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसका ना पेड़ को थोड़ा सा छांटा है एक्चुअली, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो दिखी हैं, वरना ये नीचे से काफ़ी बुशी था और ऊपर से थोड़ा लेयर्स आ रहा था। तो उस तो वहाँ गए और हम लोगों ने भी एक एक करके पेड़ ऐसे देखने लगे, और तब हुआ यूँ कि ग्लव्स भूल गए थे और ये जो एरिया था ये ओपन में था, बाकी अंदर में तो हीटर चल रहे होते हैं, बाहर हीटर नहीं चल रहे होते, और अराउंड उस दिन तो 0 और -1 था, जो कि शायद और भी कोल्ड कंट्रीज़ में जो रहते हैं वो बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं था, बट हाँ हम आते हैं इंडिया के ऐसे हिस्से में जहाँ हम बहुत धूप देखते थे तो हमारे लिए बहुत कुछ था ये। तो हम लोग जाके ट्री देखने लग गए एंड हमको पसंद आया एक ट्री, ये ट्री का जो नीचे वाली टहनी थी वो थोड़ी सी टूटी हुई थी, बट हम लोगों ने कहा कि चलो उस लॉट में से हमें यही सबसे बेस्ट लगा, तो हम लोगों ने इसको फिर पैक करवाया। पैक कराने का भी बड़ा अच्छा सा एक तरीका है कि ये लोग उसको एक ऐसे मशीन में डालते हैं, मशीन भी नहीं है, एक ऐसे नेट उसके अराउंड रैप हो जाता है, इट्स लाइक अ टनल, छोटा सा पाइप है, उसके अंदर आप ट्री डालोगे एंड आपको नेट ऑटोमेटिकली रैप होके निकलता है वो बाहर। जैसे ही हम लोगों ने इसको पैक करवाया एंड हमने देखा कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उन लोगों ने नए ट्रीज उस वाले स्लॉट्स में डालने शुरू कर दिए, जबकि मैं सोच रही थी कि देखो नए पेड़ भी पड़े हैं क्यों नहीं हम नए पेड़ ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना सब लोग ऐसे ट्री उठा उठा के देख रहे हैं तो वो लीव्स जो हैं थोड़ी सी खिंच जाती हैं या टूट जाती हैं आप कह सकते हो, तो वो हुआ।
तो जैसे ही उन्होंने वो पेड़ वहाँ रखा और मैंने कहा कि यार अब तो हमको, हमने क्यों ले लिया ये वाला पेड़, हमें तो नया वाला लेना चाहिए था, बट फिर अच्छा नहीं लगता कि हम उसको वापस कर देते हैं। और ये सब चीज़ें ना यहाँ पे थोड़ी सी रहती हैं कि लोग यहाँ पे जो चीज़ खरीदते हैं उसको जनरली इतना वापस नहीं करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये पेड़ भी तो किसी को जाता, तो फिर हम लोगों ने ये पेड़ ले लिया। और उसके बाद आती है असली बात, जो कि है डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन का तो कोई लिमिट नहीं है, बट ओरिजिनली जर्मनी में लोग इतना डेकोरेट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लोग इतना लाउड ड्रेसअप भी नहीं करते हैं, वैसे यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी इतना लाउड डेकोरेट नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में तो यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स और कुछ और, मतलब प्लास्टिक नहीं होता था ऑब्वियसली पुराने ज़माने में, तो कैंडल्स से डेकोरेशन होता था इसका। वो आगे भी है, यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है पहले, जहाँ जी वहाँ चेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमने, जैसे हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ देखा हमने कि यहाँ पे तो लाइट्स की डेकोरेशन भी हैं। उसके अलावा इसको जो डेकोरेशन के पीसेज हैं, इसको जर्मन में कहा जाता है श्मुक, एंड आप वैसे उसको कह सकते हैं, डेकोरेशन पीसेज कह सकते हैं। और पहला हम लोग लेने गए लाइट्स का, तो लाइट्स में भी बहुत सारी कैटेगरी थी। और लाइट्स थी जो रिमोट कंट्रोल है, लाइट्स जो थी वो जिसमें रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो जो रिमोट कंट्रोल वाली थी वो बड़ी एक्सपेंसिव थी। तो पहली जो हमने देखी थी वो तो लाइक कि कुछ 50 यूरोस की लाइट है ना, और मुझे तो लिटरली लगा कि यार ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है, कि इतना तो महंगा पेड़ भी नहीं है जितनी महंगी लाइट्स हो रही हैं। तो वो हम लोगों ने ड्रॉप किया। उसके बाद जाके हम लोगों ने थोड़ा सा और सर्च किया, तो लकीली हमें सस्ती मिल गई, ये अराउंड हमें कुछ 8-7 यूरो की लाइट्स मिल गई थी। नई लाइट्स यहीं पड़ी है ना, ओ थैंक गॉड हम मीटर में आ गए। और अगर मैंने अमेज़ॉन पे भी चेक किया और वहाँ पे भी मुझे उतना ही रेट दिखा रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं हम लोग, तो वो हमने लिया। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था श्मुक का, जो कि है डेकोरेशन का। तो डेकोरेशन में भी ऑलमोस्ट सेक्शन जो है खाली होता जा रहा था, तो यही एक रीज़न था हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों हम पहले ट्री खरीद लेते हैं। ऐसे तो 25 है और 10 तारीख को खरीद रहे हैं तो काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन 15 दिन हम क्रिसमस ट्री अपने पास रख रहे हैं, ये पेड़ कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये हमारे घर में रह रहा है तो हम काइंड ऑफ अटैच हो गए हैं इसके साथ, इट्स काइंड ऑफ अ मेंबर टू आवर हाउस नाउ। हम लोगों ने एक बॉक्स खरीदा पूरा डेकोरेशन का, जिसके अंदर ये बॉल्स रही, उसके बाद स्टार थे, उसके बाद उसमें डिफरेंट शेप्स के हैंगिंग थे। वो लेने के बाद उसके अलावा हमने एक सिल्वर का कुछ लीफ लिया, और हमने एक सांता क्लॉस लिया छोटा सा, हमने एक गाड़ी ली वाइट कलर की जिसपे एक क्रिसमस ट्री हैंग्ड है, वैसा कुछ लिया हमने। चलो देखते हैं कि इतना ख़रीद लिया है ये कैसा लगेगा ट्री पे, अगर कम लगेगा तो हम और ले लेते, और अगर ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा में तो हम लगा ही देते इतना तो। तो वो सब शॉपिंग वॉपिंग किया, जितना बजट सोचा था उससे थोड़ा सा कम ही पड़ा हमको। हमने अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर ली और उसके बाद ट्रॉली लेके हम लोग आए गाड़ी की तरफ, और उसके बाद एस्टिमेशन तो लगाया था कि पेड़ आ जाना चाहिए गाड़ी के अंदर, तो हमने जो सीट्स थी वो ऑलरेडी बंद कर दी थी देखने के लिए कि पेड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और गाड़ी जो है वो गंदी भी ना हो। तो उसके लिए मैं एक बेडशीट, एक कवर लेके गई थी बेडशीट का, तो हमने डाला और पेड़ भी आ गया आराम से। बट दो ही जने थे हम लोग तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर एक जना और होता हमारे साथ तो नहीं, तो मुश्किल होती पेड़ को लाने के लिए। तो हम लोग लेके आए उस, अब पार्किंग जो है वो ना दूसरी गली में हुई, तो अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है कि भैया जाओ हम, अरे चाचा हेल्प कर दो थोड़ा सा, ऐसे कोई चाचा अभी यहाँ है नहीं, ना ही कोई अंकल है, तो जो चाचा चाची हैं वो हम ही हैं। तो क्या हुआ कि पहले जो ट्री के अलावा जो बाकी का सामान था वो हमने निकाला, और उसके वो हम लोग घर रखने गए, एंड उसके बाद डिसाइड किया कि चलो अब पेड़ लेके आएंगे। साइड वाला उठा, पीछे वाला मैं भारी उठाऊं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सीधा सीधा से रुको, वापस आओ, इस साइड आओ, कोई नहीं
पार्ट है मैं आपको बताना भूल गई कि अब ट्री तो लेके आ गए हैं, उसको रखेंगे कहाँ पे? मतलब उसके या तो पॉट होना चाहिए या गमला होना चाहिए, कोई स्टैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंड आता है क्रिसमस ट्री का, और उसमें क्या होता है कि आप वो एडजस्टेबल होता है, मतलब कि अगर क्रिसमस ट्री का जो ट्रंक है उसकी जितनी भी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, और उसके अंदर आपको क्या है पानी डाल के रखना पड़ता है। लगाने से पहले एक्चुअली हमने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपर्टीज़ को बुला लिया जाए, कि हम जर्मनी में रहते हैं, यहाँ कोई ना कोई तो एक्सपर्ट होंगे जो कि अराउंड 70 ईयर्स से जो है अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उनको तो पता ही होगा कि कैसे करना है। अब जैसे कोई जर्मन हमको बुलाए कि भाई बताओ दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी है, तो हम बता सकते हैं कि हम ऐसे दिया लगाते हैं या फिर हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी वजह से हमारी एक नेबर हैं जो कि हैं 80 प्लस ईयर्स की, शी इज़ अ वेरी वंडरफुल वुमेन, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। वो आई हमारे घर और उन्होंने हमको बताया कि तुमको पहले तो ट्री को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुशेज जो बहुत ज़्यादा हैं उसको थोड़ा सा लेयरिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद उन्होंने हमको बताया कि अब कैसे डेकोरेशन करना है, कैसे लाइट लगानी है, इसमें कितना पानी डाल के रखो। और ये सब करते करते बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा कि आप उनसे सीख रहे हैं कि कैसे वो अपने टाइम से, मतलब अब से 70 साल या 50 साल आई थिंक से कि वो तब से क्रिसमस मनाती आ रही हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर जहाँ से वो चीज़ें ओरिजिनेटेड हैं उनसे सीखते हैं तो आई थिंक उसकी बात ही कुछ और होती है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत बैठ के थोड़ा सा ड्रिंक्स लिया, वी डिड चीयर्स एंड वी सेलिब्रेटेड ऑफ ब्रिंगिंग आर क्रिसमस ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर हाउस टुगेदर।